समाचार की टीम में आपका स्वागत है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान संकट के दौर से गुजर रहा है। बीते सप्ताह 2600 घर उनके जला दिए गए। करीब 60,000 रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं एक शरणार्थी के रूप में। म्यांमार में हिंसा जारी है और इनका संकट भी जारी है। आप विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से इनके हिंसा के बारे में खबर पढ़ रहे होंगे, बहुत कुछ जान भी गए होंगे। जो ये नहीं जानते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान कौन हैं और इन पर अत्याचार का क्या कारण है, उनको आज हम बताते हैं या कि रोहिंग्या मुसलमान कौन है और उनके ऊपर अत्याचार का क्या कारण है। रोहिंग्या मुसलमान प्रमुख रूप से म्यांमार के अकारण प्रांत में बसे हुए अल्पसंख्यक हैं। इन्हें सदियों पहले अकारण प्रांत के मुगल शासकों ने बसाया था। 1785 ईस्वी में यहां बौद्ध धर्म के मानने वालों का कब्जा हो गया और उस समय हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और उन्हें अराकान से खदेड़ दिया गया। और तब से अब तक इन रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्ध धर्म के मानने वालों के बीच, बौद्धिस्टों के बीच यह हिंसा और कत्लेआम का दौर जारी है जो आज भी दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि रोहिंग्या मुसलमान कौन है, साथ में ये भी कुछ हद तक कि इनपे अत्याचार का क्या कारण है। इनपे अत्याचार का कारण है बौद्धिस्ट, म्यांमार के बौद्धिस्ट। और दूसरा कारण जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इतने सालों से बसने के बाद भी करीब इनकी म्यांमार में जनसंख्या 10 लाख है, 10 लाख जनसंख्या वाले इन रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार सरकार आज भी अपना नागरिक नहीं मानती है। यह सबसे बड़ा कारण है, ये रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के नागरिक नहीं माने जाते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार नागरिक नहीं मानती है, ये एक राजनीतिक कारण है और इस पर बहस होना चाहिए, ये बहस का एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, अगर ये वहां के नागरिक नहीं है, अगर ये बौद्धिस्ट नहीं है, तो क्या ये मानव ही नहीं, क्या ये जीने का हक नहीं रखते, क्या ये पृथ्वी पर रहने का हक नहीं रखते। चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे बौद्धिस्ट हो, पहले वो मानव है, अगर मानव है तो इन्हें जीने का हक है। अगर इन्हें जीने का हक है तो म्यांमार सरकार आखिर क्या कर रही है, मानवाधिकार संगठन आखिर क्या कर रहे हैं, म्यांमार सरकार को वो क्यों नहीं अपने दबाव में ले। आप आतंकवादियों के मरने पर, आतंकवादियों के मारे जाने पर तमाम मानवाधिकार संगठन खड़े हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि मानवाधिकारों का हनन हुआ। लेकिन म्यांमार में 2600 घर जला दिए गए रोहिंग्या मुसलमानों के, करीब 60,000 रोहिंग्या मुसलमान अपनी जान बचा करके बांग्लादेश जो उसका पड़ोसी देश है वहां पहुंच रहे हैं। उनकी हालत बदतर है, शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। क्या यहां मानवाधिकार नहीं लागू, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता आखिर कर क्या रहे हैं। सबसे पहले चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जात के लोग हो, उनको जीने का और रहने का अधिकार है अगर उनका इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है तो। और बौद्धिक सबसे बड़ी बात यह है, ये अलग चर्चा का विषय है और इस पर हम चर्चा करेंगे कि बौद्धिस्ट जो अहिंसा के पुजारी है वो हिंसा के रास्ते पे कैसे पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया था, क्या वही मूल मंत्र वो भूल चुके हैं रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, अगर नहीं तो क्यों। ये चर्चा का अलग विषय है, इस पे हम आपके सामने अलग से रूबरू होंगे। लेकिन यह जरूरी है यह प्रश्न उठाना, रोहिंग्या मुसलमान भी मानव हैं और उन्हें भी रहने और
जीने का अधिकार है इस पृथ्वी पे, उनके साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठनों का, मानव विभिन्न प्रकार के मानव संगठनों का यह रोल उभरता है और यह बनता है कि वो उन्हें न्याय दिलाए। बौद्धिस्ट क्या होता है, बौद्ध धर्म क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बौद्ध धर्म क्या कहता है, क्या रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बौद्धिस्टों ने जो किया है म्यांमार में वो उचित है, क्या उनके धर्म संगत है, इस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। रूबरू होंगे आपके साथ, तब तक आप देखते रहिए न्यूज मार्केटिंग के अनेक वीडियो और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल के बटन को दबाइए कि नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और जो ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये तो बनता ही है। नमस्कार।